2022 की कौन सी है मच अवेटेड फिल्में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सुनीकर जाय। दोस्तों, फरवरी के तीसरे शुक्रवार को सिनेमा घरों में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई हिंदी फिल्म बधाई दो अपना बॉक्स ऑफिस सफर जारी रखेगी, मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए कॉन्टेंट की कमी नहीं होगी और इस हफ्ते कई दिलचस्प फिल्में और सीरीज विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम की जाएंगी। 17 फरवरी यानी कि गुरुवार के दिन अ थर्सडे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस थ्रिलर फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में है, जो नैना जायसवाल नाम की प्ले स्कूल टीचर किरदार निभा रही हैं। इस फास्ट पेस्ड थ्रिलर में यामी पहली बार एक डार्क कैरेक्टर में नजर आएंगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि नैना 16 बच्चों को किडनैप करके अपनी मांगे पूरी करने के लिए पुलिस प्रशासन को बाध्य करती है। फिल्म में नेहा धूपिया, डिंपल कपाड़िया और अतुल कुलकर्णी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन बेहजाद खम्बाटा ने किया है, जबकि निर्माता RSVP और ब्लू मंकी फिल्म्स है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें आने वाले टाइम में यानी कि 18 फरवरी को प्राइम पर वेब सीरीज बेस्ट सेलर रिलीज होगी। वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का ये ओटीटी डेब्यू है। बेस्ट सेलर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका निर्देशन मुकुल अभ्यंकर ने किया है। 8 एपिसोड की सीरीज में मिथुन के साथ श्रुति हसन, अर्जुन बाजपा, सत्यजीत दुबे और सोनाली कुलकर्णी अहम भूमिकाओं में नजर आएगी। 18 फरवरी को ही हुमा कुरैशी और अवंतिका दसानी की वेब सीरीज मिथ्या Z5 पर रिलीज होगी। 6 एपिसोड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी दार्जिलिंग में दिखाई गई है, जहां हुमा कुरैशी का किरदार जूही विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर है। अवंतिका दसानी का किरदार रिया राजगुरु स्टूडेंट है। रिया के निबंध को जूही प्लेरिज्म बताती है और इसको लेकर दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। ये साइकोलॉजिकल लड़ाई हो जाती है, जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। भाग्यश्री की बेटी अवंतिका इससे करने वाली है ओटीटी डेब्यू। वहीं दोस्तों, 18 फरवरी को ही सोनी लिप पर होम कमिंग फिल्म आ रही है। इस फिल्म की कहानी कोलकाता में सेट है, जहां कुछ दोस्त दुर्गा पूजा के अवसर पर 7 सालों बाद दोबारा मिलते हैं और यादों के भंवर में डूबते नजर आते हैं। जहां वो थिएटर रिहर्सल करते थे, उस जगह को अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। फिल्म की हकीकत के करीब रखने के लिए बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में संवाद रखे गए हैं। फिल्म में तुषार पांडे, शायनी गुप्ता नजर आने वाली है। निर्देशन सौम्यजीत मजुमदार ने किया है और ये उनका डिजिटल डेब्यू होने वाला है। नेटफ्लिक्स पर इसी हफ्ते कोई हिंदी फिल्म या सीरीज तो नहीं रिलीज होगी, लेकिन अंग्रेजी में कई फिल्में और सीरीज आ रही हैं। नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की स्लेट के मुताबिक टेक्सस चेनसॉ मैसेकर फिल्म, एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस फिल्म, फिस्टफुल ऑफ विजन्स फिल्म, वन ऑफ अस इज लाइंग सीरीज आने वाली है। यानी कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेन करने को तैयार है। तो आप अगर थिएटर नहीं जा पा रहे तो OTT का लुत्फ उठा सकते हैं। कितना इंतजार है इन फिल्मों और वेब सीरीज का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।